ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में बिलासपुर शहर के अतिक्रमण को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन ने अतिक्रमण पर की गई कार्यवाही की स्टेटस रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गई। न्यायालय ने स्टेटस रिपोर्ट को एडमिट कर लिया है और मामले की सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख तय की गई है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में बिलासपुर शहर के अतिक्रमण को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन ने अतिक्रमण पर कार्यवाही की रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गई। न्यायालय ने स्टेटस रिपोर्ट को एडमिट कर लिया है और मामले को सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख दे दी है। दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट में जिला प्रशासन ने कोर्ट को बताया है कि बिलासपुर नगर में कुछ अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया है। वह तहसीलदार कोर्ट में और SDM कोर्ट में चल रहे 50 से भी अधिक मामलों पर फैसला दे दिया गया है। इनमें से कुछ लोग हाई कोर्ट में इन फैसलों के खिलाफ अपील कर स्टे भी ले चुके हैं कि 60 के दशक में बने बाकड़ा बांध के कारण अस्तित्व में आए बिलासपुर शहर का निर्माण चंडीगढ़ की तर्ज पर किया गया था। तत्कालीन स्वयं विस्थापित हुए लोगों को आज तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है कि आज करीब 345 लोग भी प्लॉट की राह ताक रहे हैं। इसमें के अनुपात में बड़े परिवारों की संख्या के आधार पर कुछ लोगों ने अपने घरों के नजदीक अतिक्रमण कर रखा है। देश की प्रथम पनबिजली परियोजना के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले विस्थापितों के बलिदान को ध्यान में रखते हुए पूर्व कांग्रेस सरकार के इसमें एक नीति का निर्धारण 8 अक्टूबर 2013 को किया गया था। इस नीति के तहत विस्थापितों के 150 वर्ग मीटर तक के अतिक्रमण को नियमित किया जाना था, लेकिन नीति की कड़ी शर्तों के कारण लोगों को इसका खास लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिस पर लोगों ने प्रदेश की मौजूदा सरकार के समक्ष नीति में संशोधन किए जाने की मांग की थी। उसी के चलते प्रदेश सरकार ने 28 जुलाई 2018 को इसमें संशोधन किया तथा विस्थापित और गैर विस्थापितों के शब्द को समाप्त कर दिया। इस नीति के तहत बे अतिक्रमण नियमित किए जाने हैं, जिससे किसी दूसरे को कोई असुविधा ना हो तथा संबंधित अतिक्रमण सार्वजनिक रास्ते पर ना हो। जो अतिक्रमण और एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव जो प्रशासन द्वारा चलाई गई है माननीय उच्च न्यायालय के जैसे निर्देश थे, तो अभी 6 तारीख को ये मामला माननीय उच्च न्यायालय में लगा था। उससे पहले 1 तारीख को स्टेटस रिपोर्ट प्रशासन द्वारा दे दी गई थी और 6 तारीख को ये लिस्ट हुआ था। तो माननीय न्यायालय ने जो रिपोर्ट को जो है उसको रिकॉर्ड पे ले लिया है और अब 23 मार्च को जो है ये अगली जो पेशी जो है वो तय की गई है और बाकी जो डिटेल्स हैं जैसे ही हमें मिलेगी तो फर्दर उसके बाद जो है वो हम बता पाएंगे।